दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Realme मोबाइल के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरे पास बहुत लोग कॉल करता है और कॉल करके पूछता है कि भाई हमारा मोबाइल जो है चलते चलते डिस्प्ले का लाइट बंद हो गया, मतलब इनकमिंग कॉल आ रहा है या तो आप अगर अंदाजा मैं कॉल रिसीव कर दे रहे हो, रिसीव हो जा रहा है, कॉल में बात कर पा रहे हैं लेकिन डिस्प्ले का लाइट में कुछ मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये ऐसा जो है बहुत सारा मोबाइल में हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा Realme मोबाइल में हो रहा है, क्योंकि मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है और मैंने बहुत सारा वीडियो में भी दिया हुआ है। तो बहुत लोग मतलब सुबह से शाम तक कम से कम 10-50 आदमी तो कॉल करके पूछता है कि भाई मेरा Realme का मोबाइल है और चलते चलते डिस्प्ले का लाइट बंद हो गया, या तो चलते चलते मोबाइल डायरेक्टली बंद हो गया, ऑन नहीं हो रहा है। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास Realme का या तो Oppo का या तो OnePlus का, ये तीनों का कंपनी का कोई भी मोबाइल है तो तीनों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन सेम है, क्योंकि मेरे पास एक OnePlus का मोबाइल है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है आप अपना मोबाइल को घर में अगर डिस्प्ले का लाइट बंद हो गया है या तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप उसको घर में कैसे ठीक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey, I'll come look at this. देखिए दोस्तों, ये OnePlus का मोबाइल है, लेकिन OnePlus और Oppo और Realme लगभग सेम ही है, मतलब एक ही कंपनी का, सब तीनों सब ब्रांड है और सब इधर उधर करके बनाता है, लेकिन OnePlus थोड़ा सा अलग है, लेकिन लगभग मतलब सेम है। जो प्रॉब्लम है और उसका सलूशन जो है लगभग सेम है, तो इसीलिए मेरे पास OnePlus का मोबाइल है, तो मैं उसमें दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। पहला ट्रिक आपको क्या करना है, देखिए मोबाइल अभी ऑन है, सोच लीजिए आपका मोबाइल ऑन है और आपका डिस्प्ले में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप उसको बंद तो नहीं कर सकते, बंद करके ऑन करने से हो सके लाइट आ जाए। तो एक सलूशन है, उसको ध्यान से देखो और घर में ट्राई करो। देखिए इधर है पावर बटन और इधर है वॉल्यूम प्लस माइनस का, अभी मोबाइल ऑन है तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे बंद करूंगा। देखिए वॉल्यूम प्लस माइनस के ऊपर हाथ रखा और पावर बटन, तीनों बटन को एक साथ ऐसे ऐसे करके एक साथ ऐसे दबाना है। देखिए जो भी हो रहा है आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर आपका मोबाइल बंद भी हो गया तब भी ऐसे करना, तीनों बटन को एक साथ दबा के कुछ देर रखना। देखिए मोबाइल ऑटोमेटिकली बंद हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, बाद में वाइब्रेशन हुआ मैंने छोड़ दिया, देखिए OnePlus का लोगो आ गया, मतलब आपका मोबाइल जो है रीबूट हो गया। रीबूट होने के बाद आपका मोबाइल ऑन हो गया, डिस्प्ले का लाइट भी आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है डिस्प्ले का लाइट बंद हो जाना, ये प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा आता है जो मोबाइल का डिस्प्ले आपने रिसेंटली चेंज किया है, उसमें बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि उसका डिस्प्ले प्रॉपर मैच नहीं होता है, या तो प्रॉपरली फिटिंग नहीं हुआ है, या तो डुप्लीकेट डिस्प्ले में ऐसा प्रॉब्लम आता है। अगर आपने रिसेंटली डुप्लीकेट डिस्प्ले लगाया था और आप ये जो मैंने तरीका बताया वो तरीका करने के बाद भी आपका मोबाइल डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा या तो ऑन नहीं हो रहा है, तो जहां पे आपने डिस्प्ले लगाया था उसके पास जाइए और उसको बोलिए कि भाई आपने मेरा डिस्प्ले लगाया था, डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है, आ रहे एक बार खोल के देख लीजिए। तो वो पीछे का ढक्कन खोल के डिस्प्ले का जो कनेक्टर, डिस्प्ले खोलने का जरूरत नहीं है, डिस्प्ले का जो कनेक्टर है जहां मदरबोर्ड में लगा रहता है, तो उसको निकाल के एक बार साफ करके लगा के ट्राई करना, हो सके कि थोड़ा लूज कनेक्शन हो जाए, हो सके कि आपका मोबाइल हाथ से गिरने के बाद ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कनेक्शन खुल जाता है, तो उसको ठीक से लगा देने के बाद आपका डिस्प्ले का लाइट आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ओरिजिनल डिस्प्ले था तो आपको देखना है कि ओरिजिनल डिस्प्ले के अंदर क्रैक होने से भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो आप इसको अच्छा से चेक कर सकते हो और चेक करके जो तरीका मैंने बताया उसी तरीके से आप अपना मोबाइल को ठीक कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।